कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की। इसकी हम कुछ डिवीजन्स और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रो वगैरह थोड़ा समझा दूंगा मैं आपको। इसके बाद मैं इसके एग्जांपल्स की तरफ मूव ऑन करूंगा और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसके एग्जांपल्स की, कि कैसे इसके एग्जांपल्स को हमें लर्न करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे वर्टिब्रेटा के जो दो डिवीजन होते हैं, एगिनिथा और गेनेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा इसमें क्या किस बेसिस पे होते हैं? लैक्स जॉ, बियर जॉ। एक जॉ को लैक करता है, एक बियर करता है। इसकी सुपर क्लास है पीसिस टेट्रोपोडा। इसकी क्लास है एक ही सिर्फ साइक्लोस्टोमा, जिसमें जॉ ही नहीं होता। हमारा जो टीथ वगैरह, ये पूरा जॉ का जो हिस्सा होता है, जैसे हमारा फेस है नीचे की साइड, पूरा जॉ का ऊपर ये पूरा हिस्सा नहीं होता इसका। ये क्लास होती है इसकी साइक्लो स्टोमेटा। तो इस वाले में इसके फिन्स होते हैं और इसमें इसके लिम्स होते हैं, वो भी टेट्रापोडा। टेट्रा से ही समझ आ रहा है, चार लिम्स वाले, टेट्रापोडा। पोडा मतलब लिम्स होता है, तो इसमें लिम्स होते हैं। इसमें चार हमारी क्लासेज है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। तो सबसे पहले साइक्लोस्टोमा। तो साइक्लोस्टोमा को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये मोस्टली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स मतलब जैसे बड़ी बड़ी जो फिशेज होती है उनके ऊपर छोटी छोटी फिशेज चिपकी होती है, जो उनके बच्चा कुचा जो उनके उन्होंने मुंह से तोड़ा, वो पीछे मुंह जब वो स्विम करते हो मूव ऑन कर पीछे की तरफ गिर गया है, चला गया, वो वहाँ से खा लेती है या उनके ऊपर शक करती रहती है। तो ये उनके साथ साथ ही उनके एक्टोपैरासाइट होती है, बाहर की तरफ उनकी स्किन की तरफ लगी होती है। तो ये मोस्टली एक्टोपैरासाइट होती है। इस क्लास में मोस्टली फिशेज होती है। तो एलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं इसमें। गिल स्लिट्स मतलब जहाँ से वो रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है, आपको पता ही होगा फिश का, जहाँ से वो क्या बोलते हैं वाटर अंदर लेके गिल से, और उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करती है वो। गिल से होती है गिल स्लिट्स, उसके स्लिट्स होते हैं ऐसे स्लिट्स स्लिट्स वो फॉर रेस्पिरेशन। इसके सकिंग और सर्कुलर माउथ होते हैं। अब किसी के एक्टोपैरासाइट किसी के ऊपर है, जैसे हमारे अलग अलग एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। लीच होते हैं, लीच का जैसे माउथ देखा होगा आपने, ऐसे स्किन पे रखते हो तो वो सक करने लगता है ब्लड, ऐसे सकिंग माउथ होता है इनका दूसरी फिशेस की, क्योंकि दूसरी फिशेस के ऊपर रहते हैं, उस हिसाब से इनका अडेप्ट कर रखा है इन्होंने अपने आप को। और देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, कोई स्केल्स नहीं होता और पेयर्ड फिन्स नहीं होते इनके पास। इनके क्रेनियम वर्टी एंड वर्टिब्रल कोलाम्स आर कार्टिलेजेंस। इनके जो क्रेनियम मतलब ब्रेन साइड का, और जो वर्टिब्रल कॉलम पूरा साइड होता है वो कार्टिलेजेंस होता है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है इनमें। और ये जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं मोस्टली मरीन होते हैं, सी वाटर होते हैं। पर जब इनका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, बर्थ देने का टाइम आता है, तो ये ये वहाँ पे चले जाते हैं, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं और वहाँ दे के मर जाते हैं, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह बहुत डिफरेंस होता है सी वाटर फ्रेश वाटर का। तो इनकी बॉडी बियर नहीं कर पाती, स्किन फटने लग जाती है और ये मोस्टली सारे मर जाती हैं। ये रह नहीं पाती फ्रेश वाटर में, क्योंकि ये सी वाटर में अडेप्ट होती हैं, सी वाटर के हिसाब से अडेप्ट होती है। तो इसके बाद मेटामॉर्फोसिस करके इनके लार्वा फ्रेश वाटर से फिर से ओशन में चले जाते हैं। तो इसमें दो एग्जाम्पल हमारे देखे, पेट्रोमाइसिन और माइक्सिन। इसकी मैं याद करने का तरीका हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हमारी क्लास आती है कॉन्ड्रिक थाइस। क्लास कॉन्ड्रिक थाइस में क्या होता है, नोटोकोर्ड प्रसिस्टेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकोर्ड बाद में हटती नहीं है, कुछ और नहीं बंद वर्टिब्रा बनती, नोटोकोर्ड पूरी थ्रू आउट लाइफ प्रसिस्टेंट रहती है इसकी। और एंड गिल स्लिट्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं, पर विदाउट ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम मतलब होता है उनका गिल का कवर, जो गिल्स होते हैं ये गिल्स इनके ऊपर कवर होता है ऑपरक्यूलम, वो इसमें इस क्लास में प्रेजेंट नहीं होता। और इसके जो स्केल्स होते हैं, इसमें दो तरह के बेसिकली स्केल्स, इसमें एक तरह का स्केल्स होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, और दूसरे वाले जो हमारे होते हैं साइक्लोड। दो तरह के स्केल होते हैं, प्लेकॉइड बहुत छोटे होते हैं। प्लेकॉइड एक तरह से टीथ का ही मॉडिफाइड पार्ट होता है, जैसे हमारा एनेमल होता है अंदर पल्प होता है, ऐसे इनके पूरे जो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं इसमें पूरे ऐसी पार्ट्स होते हैं, पर ये पूरे इनकी पूरी बॉडी पे स्किन के ऊपर होता है। आपने फिश को देखा होगा कहीं मार्केट वगैरह में, ऐसे ऐसे कुछ कांटेदार ऊपर ऊपर लगा होता है ना स्केल्स की तरह। तो इसके छोटा मोटा फंक्शन होता है कि वो उसको
स्विम में हेल्प करता है, जो उसका ड्रैग होता है, वाटर ड्रैग होता है, वाटर फ्रिक्शन होता है, उसमें हेल्प, उसको स्विमिंग में थोड़ी बहुत हेल्प करता है। इसका छोटा सा फंक्शन ये है प्लेकॉट स्केल्स का। और थोड़ी कुछ फिशेज में ये उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, क्योंकि हार्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है कुछ फिश में। तो इनके क्या बोलते हैं, देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, पावरफुल जॉज होते हैं इसमें हमारे, जैसे कि शार्क आते हैं, ग्रेट वाइट शार्क तक आती है, तो जॉज वगैरह। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता, एयर ब्लैडर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसमें जो बायोन्सी प्रोवाइड करता है तैरते हुए फिशेस को, कि जब स्विम करती है, तैरती हैं तो उन्हें लगातार स्विम नहीं करता, एक ऑर्गन जिसमें एयर भरी रहती है, तो उससे वो ऊपर पानी में ऊपर रहते हैं। पर इस क्लास में क्या होता है, कॉन्ड्रिक थाइज में, कि एयर ब्लैडर नहीं होता, ये ऑर्गन एब्सेंट होता है, इसलिए इन्हें लगातार स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए। अगर ग्रेट व्हाइट शार्क भी स्विम करना बंद कर देगी तो वो भी डूब जाएगी। तो ये इनका एक फीचर होता है, या कुछ भी आप मान सकते हैं, एक फीचर होता है इनका। इन्हें कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है डूबने से बचने के लिए। तो हर्ट टू चैम्पर्ड होता है, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, किसी किसी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, जैसे आपने देखा होगा टॉर्पीडो, टॉर्पीडो को जो इलेक्ट्रिक ईल होती है, टॉर्पीडो हो गया वो। एंड सम पोजेस पॉइजन स्टिंग, सब में कांटे होते हैं, कांटे इन द सेंस कि पॉइजनस होते हैं, वो काट ले तो पॉइजनस होते हैं, या पॉइजनस स्टिंग, उनकी बॉडी पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं पॉइजनस, जैसे ट्राइगोन में हो गया। और ये कोल्ड ब्लड होते हैं, मतलब कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते बाहर के हिसाब से, अगर बाहर ठंडा है तो इनका भी ऐसे ही ठंडा हो जाएगा, गर्म है तो उसी के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। हमारे में क्या होता है, हमारे में हम वार्म ब्लडेड रहते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं अपना अपने आप को। इसके बाद क्या होता है, जो मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स, जो मेल उसके पेल्विक फिन्स होते हैं पीछे की तरफ जो फिन्स होते हैं उनमें क्लास्पर्स होते हैं, वो उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, वो फीमेल को क्लास ऐसे पकड़ने में, क्लास्पर्स होते हैं इसमें पेल्विक फिन में। और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मैनी ऑफ देम आर वीवी पोरस, बहुत से इसमें वीवी पोरस भी है, शायद ग्रेट वाइट शार्क भी वीवी पोरस है। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स है, स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस और ग्रेट वाइट शार्क, स्टिंगरे, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम लर्न करने की ट्रिक मैंने बना रखी है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। इसके बाद जो हमारा आता है ऑस्टियोथाइस, ऑस्टियोथाइस में क्या होता है, इसके जो गिल्स, इससे जो मैं अलग है वो बता देता हूँ। मोस्टली ये बहुत ही मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, बोनी एंडी स्केलेटन होता है, एंड ये बोनी फिशेस भी कहा जाता है ऑस्टियोथाइस को। बोनी फिशेस क्यों, क्योंकि इनमें कार्टिलेज की जगह इनकी फिश इनकी बोन इनकी जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है एयर ब्लैडर, बोन्स भारी होती है कार्टिलेज के मुकाबले, तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है इनको तैर, ताकि ये स्विम करती रहे, तैरती रहे पानी में, नीचे डूबे ना, जिसे एयर ब्लैडर मैंने आपको पहले ही बताया था, इनको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। इनका भी हर्ट टू चैम्पर्ड ही होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होता है, और इसमें मोस्टली ओविपेरस होता है, जो क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद जो बर्थ लेते हैं वो ओविपेरस तरीके से लेते हैं, मोस्टली एग्स के थ्रू करते हैं, ये विविपेरस डायरेक्टली डायरेक्टली बर्थ नहीं देते। तो इसके बाद इसके जो एग्जांपल्स है उसको हम देख लेते हैं, मरीन, फ्रेश वाटर, क्लैरियस एक्वेरी एक्वे मरीन में जो रहते हैं उसके दो एग्जांपल है, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम के, ये तीन क्लासेस हमने पढ़ लिया। अब इसके हम एग्जांपल्स की ट्रिक देख लेते हैं, कि इसके एग्जांपल्स को हमें कैसे लर्न करना है। तो आइए देखते हैं, लेट्स फोकस ऑन दिस। सबसे पहले हमारा साइक्लोस्टोमेटा के दो एग्जांपल है, पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन। तो इसको हम साइको पीएम से भी याद रख सकते हैं, कोई संकी पीएम आया है जिसने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, कोई भी ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। संकी संकी मतलब साइको, साइको से सी हमें याद रहेगा, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम है पीएम, पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन, जिसने पेट्रोल के, मतलब पेट्रो से पेट्रोमाइजोन याद रहेगा, और माई एम से माइक्सिन। माइक्सिन का एग्जाम्पल आपको हैग फिश याद करना होगा, MH, मैं महाराष्ट्र का होगा, पी जो सीएम होगा कुछ भी होगा,
एमएच करके आप जा सकते हैं, माइक्सिन हैगफिश। अब पेट्रोमाइजोन, पहले क्या होता था, लैम्प्स वगैरह, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल वगैरह की वो छोटी सी डिब्बी होती थी, उसमें कुछ भी फ्लेमेबल डाल के उसमें बत्ती लगा के पहले बना दिया जाता था, जब लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी घरों में। तो इस तरह आपको याद रखना है, पेट्रोमाइजोन पेट्रोल से लैम्प, लैम्प्रे। तो इस तरीके से आप इसकी एग्जाम्पल साइक्लो स्टोमेटा के आ सकते हैं। अब आता है हमारा कॉन्ड्रिथाइज और ऑस्टियोथाइज। कॉन्ड्रिथाइज और ऑस्टियोथाइज के जो एग्जाम्पल्स रन करने की ट्रिक है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा इसी के, जो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।